तू राम है, राम गरीबों का मसीहा, बहुत बड़ा जासूस। तू गोपाल, तुम दोनों अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझते हो, बड़े से बड़े केस को चुटकी बजाकर हल कर देते हो। पुलिस जैसे पागल है पागल, उसे तो कुछ आता ही नहीं। हमारा डिपार्टमेंट तो बंद हो गया है। अगर तुम जैसे महापुरुष ना हो तो अब इतने फटके पड़ेंगे कि सारी जासूसी नजला बनकर नाक से बह जाएगी। हैरी साहब, हैरी साहब, मैं गोपाल नहीं, कमाल हूँ कमाल। जनाब मैं राम नहीं, रूमी हूँ, रूमी भाकरी। मैंने तुमसे तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं पूछा, तुम दोनों डमी हो, राम गोपाल की। तू राम और ये गोपाल। गोपाल, राम गोपाल आए थे क्या? जी नहीं सर, वो तो खामोश। देखो भवानी नगर में एक केले वाले और मछली वाले का झगड़ा हुआ है, दोनों को लोकोमोटर आगे बंद कर दो। जी हुजूर। खामोश। मिस्टर हैरी सर, तुम राम गोपाल के बारे में मालूम करो, मुझे उनसे बहुत अर्जेंट काम। सर वो अर्जेंट काम मैं नहीं कर सकता। जी नहीं, जानते हैं शहर भर में किडनैपिंग हो रही है, लोगों का अपहरण करके बड़ी बड़ी फिरौती मांगी जा रही है, आप जानते हैं। बस जहां राम गोपाल का नाम लिया नहीं, जनाब का मुंह लटक गया। कोई कारनामा मुझसे पूछे बगैर भी करके दिखाओ, फिर मुझसे बात करना। जानते हो आज की तारीख में राम गोपाल लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। ये देखो, अब तक के कारनामे, चोरों को गिरफ्तार करवाया, सुंदरों को पकड़वाया, देश में दंगा फसाद करने वालों को जमीन की खाक चटवाई। वाह राम गोपाल जी वाह, कमाल कर दिया। शायद आप लोगों को पता नहीं, मेरी घरवाली ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मैंने उसको बोला कि भाई एक का नाम रखते हैं अक्षय और दूसरे का रखेंगे सुनील। अरे वो तो बहुत नाराज हुई और बोली नहीं, ये हम फिल्मी हीरो वीरो का नाम अपने बच्चों को ना रखें। अरे नाम ही रखना है तो असली हीरो का रखो, जैसे राम गोपाल। भैया मेरी तो आंखें ही खुल गई, मैं तो सुथरा वैसे ही मस्त मस्त की हवा में यूं ही फिल्मी चक्कर में पड़ा हुआ था। भैया भैया, तुम लोग क्या बिना पते के आदमी का ठिकाना बता देते हो क्या? अरे बहन जी, इतना बड़ा शहर है, यहाँ बिना पते के इंसान का तो पत्ता ही कट जाता है। वैसे अगर कोई बहुत मशहूर आदमी हो तो शायद हम आपकी मदद कर सकें, जैसे प्रधानमंत्री, गवर्नर साहब या राम गोपाल जी। हाँ, बस भैया यही राम जी गोपाल जी के यहाँ जाना है मुझे। अरे फिर क्या, चलो एक झटके में पहुँचा देते हैं अपने असली हीरो राम गोपाल जी के यहाँ। अच्छा भैया लो साहब, आज की चाय पी के देखो मजा आ जाएगा। लो साहब, राम जी गोपाल जी, राम जी राम जी गोपाल जी, पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोगों का नाम सुना। आप लोग गरीबों के पालनहार, जैसे मुसीबत में फंसे लोगों के मसीहा है। माता जी आप पर बैठिए, आराम से बताइए। बेटा, मेरी बेटी। हाँ हाँ, क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी का अपहरण कर लिया, मेरी बेटी लाचों का। बेटा कहीं से भी उसे मेरी गोदी में लाकर डाल, कहीं से भी मेरी ममता की सुनी गोद में मेरी बेटी को लाकर डाल दे, मेरी मदद कर। माता जी आप रोइए मत, चुप हो जाइए। आप अपनी बेटी को फोटो तो साथ लाई हैं? फोटो तो होगी, मैं देखती हूँ। जाइए माता जी, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, पैसे बेटा? माता जी पैसे वैसे बाद में मिल जाएंगे, हम कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं। आपकी बेटी मिल जाए उसके बाद पैसे ही मिल जाएंगे, जाइए आप आराम कीजिए। अच्छा बेटा, तुम लोग महान हो, परमात्मा तू महान है। अच्छा बेटा। हाँ जा माता जी। यार
तू ये केस मत ले, प्लीज ये केस मत ले। यार क्यों मत ले, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुझे मालूम है ये किडनैपिंग का केस है, बलात्कार भी होगा, खाली बिली फोकर में फंस जाएंगे। तुझे मालूम है ना कि किडनैपर्स कितने डेंजरस होते हैं। यार गोपाल उस बेचारी औरत को देख, वो कितनी प्रॉब्लम में है। अब यार हम लोग उसकी थोड़ी सी तो मदद करनी चाहिए ना। तुझे करनी है मदद तू कर, तू मुझे मत बीच में डालियो मेरे बाप। राम गोपाल के बगैर तो कोई बात बन ही नहीं सकती है ना। मैं मर गया था उनकी मदद के लिए, आप साफान खुद उन्हें ढूंढे गए पर्सनली। रूमी कमाल। जी जनाब। हाँ ठीक है, इस बार राम गोपाल किसी मिशन में कामयाब नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे जनाब। जाओ उनकी राह में रोड़े बिछा दो, पत्थर बिछा दो। रूमी। जी कुमार भाई। आज राम गोपाल की खैर नहीं। जी क्या है? इतनी पिटाई करूंगा कि नानी याद आ जाएगी और आफ्ताब खान के हवाले कर दूंगा। चुप हो गया यार आफ्ताब खान का नाम सुनकर, उसका रॉब भी बड़ा सही है। राम 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 का मैसेज कर गया। राम 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 जनाब मेरी टोपी। ठीक है बच्चे चल अंदर। ये दोनों माचे हमारी छत पर कबड्डी का खेल खेल रहे थे। कबड्डी? जनाब मैं माफ कर दीजिए। यार गोपाल चलता है? नहीं यार मेरा मूड नहीं है, आज मेरे को सोने का मूड है। यार तेरा सोने और खाने का मूड कब नहीं होता। अच्छा उन किडनैपर्स के बारे में कुछ पता चला? कोई चिंता की बात नहीं, किसी और को किडनैप करने से पहले उन दोनों में से किसी एक को किडनैप करके लाओ ताकि हम उनसे बात कर सकें। फिलहाल हमारी किडनैप की हुई लाजो ही काफी है। क्यों चंबा? सुनो राम और गोपाल की शक्लें तो तुम्हें याद है ना? हाँ बॉस, आज हमने अंगार डैम्स में उन दोनों की फोटो देखी है। तो जाओ जाकर अंगार लगा दो राम और गोपाल के सावन में। भाई साहब तो माचिस होगी क्या? हाँ ये लीजिए। तब तो सीक्रेट भी होगी। नहीं। चंबा भवानी नगर वाले माचिस रखते हैं और सिगरेट नहीं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल इसकी सजा मिलेगी। राम बराबर मिलेगी। चंबा कितनी गोली है इसमें? छह सरदार गोली छह और आदमी एक, ये तो बहुत नाइंसाफी है, इसकी सजा मिलेगी। छह की छह उतार दूं या चलता हमारे साथ? अरे ओके सरिया लिखो लिखो, गोपाल चंद, दमाल चंद और रुमाल चंद, दोस्त जैसा भाई, भाई जैसा दोस्त। अरे सही तो सभी लिखते हैं ना, अरे गलत लिखने वाला भी तो चाहिए। और लिखो तुम अपना और अपने दोस्त का बोरिया बिस्तरा बांध कर यहाँ से अगर तुमने अपने गांव का टिकट नहीं कटवाया ना तो हम तुम्हारे राम को मार डालेंगे और तुझे चीर डालेंगे, समझा ना? पर हमें कैसे पता लगेगा कि तूने अपना मुंह काला करवाया कि नहीं? इसका भी एक आइडिया, कल शाम को फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस की दो टिकटें बुक करवा लेना, राम वहीं पहुंच जाएगा। और सुन
इस खत का तेरे मामू को पता नहीं चलना चाहिए, वरना क्यों चंबा, ठीक लिखा के नहीं? बहुत बढ़िया लिखा उसका। अच्छा जाओ और ये खत उस मोटू को दे दो। खाली पीली पंगा करवा बैठा, बनने चला था हीरो, अब फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस की टिकट कटवाऊं या फिर आफ्ताब खान को बोलूं तो फंसूं, या फिर जमा जमाया झंडा छोड़ के गांव चला जाऊं, क्या करूं तो मैं क्या करूं? साहब एक बात बताऊं, आप गांव चले जाओ। गांव जाके मैं क्या करूं? साहब मर जाने से तो अच्छा है आदमी भूखा रह जाए। खामोश, जब मैं सीरियस होता हूँ ना तो मुझे कॉमेडी पसंद नहीं आती, और जब मैं कॉमेडी करता हूँ तो मुझे सीरियस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यार कुछ खाने को मिल जाए तो सोचा जाए। साहब थोड़ा सा दूध है, ले ओ, ले आ, ले ओ, अबे ले आ ना। जाओ ना, जाओ, जाओ। हेलो, हेलो, हेलो। यू आर ग्रेट मिस्टर गोपाल, यू आर रियली ग्रेट। वैसे आज 1 अप्रैल नहीं है, एंड प्लीज डोंट ट्राई टू मेक ए जोक। आप इतने बढ़िया कलाकार हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। Really, what a expressions, what a emotions, really you are great. Mr. Gopal, Ram बहुत strong आदमी है, उसे कोई kidnap नहीं कर सकता। हाँ ये बात और है कि उसने मुझे आपके बारे में एक दो बार बताया था कि वो आपसे थोड़ा bore हो चुका है और आपको वो कभी भी झटका दे देगा, और उसने झटका दे दिया। आपने मुझे कुछ कहा? जी नहीं, मैं मजाक कर रहा था, बहुत हसीन मजाक, बहुत बड़ा मजाक। अब आप अपने असली रंग में आए हैं मिस्टर गोपाल। ओके, अब मैं चलूंगा। थैंक यू मिस्टर गोपाल, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे मिस्टर गोपाल, ये जो आपने किडनैपिंग की कहानी सुनाई है, दिस रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे भूलकर हकीकत की दुनिया में आइए और किडनैपर्स को पकड़ने में हम पुलिस वालों की मदद कीजिए। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच। रियली दे आर जीनियस, दे आर जीनियस। अरे ओ केसरिया, वो मिला क्या? साहब हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन वो हमें नहीं मिला। और इस छोकरी की माँ को फोन किया? हाँ, वो कहती है इसका केस राम गोपाल के पास है, वो इसे हल करेगा। बेचारी बुढ़िया। अरे राम तो हमारे पास है, क्या वो ऊपर भगवान के पास जाके उसका केस हल करेगा? बांध दो इन दोनों को और डाल दो काली पहाड़ी के नीचे। हाँ जाओ बाहर, गाड़ी खड़ी है। धन्यवाद भाई। आप बेटा
मेरी बेटी को ढूंढ दे। देखिए मेरा दोस्त लापता है, आपको अपनी बेटी की पड़ रही है। मेरी बात तो सुन बेटा, एक मिनट रुक जा, सुन तो मेरी बात को सुन बेटे, सुन। देखिए आप पुलिस के पास जाइए, मेरा पीछा छोड़िए। पुलिस? बेटा एक मिनट रुक तो सही बेटा। चल चल अंदर चल, तो गोली मार दूंगा। चल लड़की, ए अंदर चल, सुना नहीं तूने? चल अंदर चल, चल वे तू भी अंदर चल, चल अंदर चल। यार ये औरत क्या चाहती है, मुझे अपने नाम की बड़ी है, मैं नहीं छुड़वाऊंगा बाबा। नमस्ते। अरे बेटे बेटे, तू 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 कहाँ चला जा रहा है? गाड़ी में तो कोई नहीं है, भाग भाग बेटा। गाड़ी ले गए बॉस, जल्दी आओ बॉस। अबे कोई तो मनुष्य खबर मत सुनाएगा, बड़ा बड़ा जल्दी आओ बॉस, चल जल्दी जल्दी जल्दी, देख गाड़ी पकड़ बॉस, जल्दी आ। जल्दी कर, अरे ओ केसरिया जल्दी निकाल गाड़ी, क्या हुआ? गाड़ी तो बंद हो गई उस्ताद। अरे वो गाड़ी निकल जाएगी, जल्दी का धक्का मार यार, धक्का मार जल्दी कर। अरे पुलिस की गाड़ी भी पीछे आ रही है, जल्दी कर जरा। अरे निकल यार, देख वो जा रहे हैं यार, निकल जाएंगे यार, चल जरा देख। अरे गाड़ी भी आ गई फटाफट, जल्दी कर यार, गाड़ी आ रही है पुलिस की। अरे जल्दी कर यार, धक्का मारो, धक्का मार यार, जल्दी कर, मारो धक्का, मारो धक्का, जल्दी कर, जल्दी जल्दी देख गाड़ी आ गई, जल्दी कर यार, धक्का मारो, धक्का 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 मारो। ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है पता नहीं।
ये अरे राम तू रुक जा, मैं लस्सी खोलता हूँ, रुक जा रुक जा। अरे यार राम चल आ आ आ चलो रुको रुको, मैं पहले उतरूंगा मैं पहले उतरूंगा, आओ 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 आओ, आओ। चलो अरे राम यार तू यहाँ कैसे आया, राम कैसे आया यहाँ पे तू? उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। किन लोगों ने? उन लोगों ने देख देख वो लोग भी जिन्होंने हमें किडनैप किया था। अरे वाह चल देखते हैं चल 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 ठीक है ना लाजो? इन्हीं लोगों ने मुझे बचाया मम्मी। अच्छा धन्यवाद, आइए इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब इन लोगों ने मेरी लाजो को ढूंढ के देखी ले, इन लोगों ने मेरी लाजो। ये बाजी भी तुम्हारी किस्मत से गई। रोमी कमाल इन दोनों को जीप में बैठा ले जाओ थाने में। अरे जनाब इनको तो मैं बताऊंगा, चल कमाल भाई ये देख लूंगा, मैं देख लूंगा। बेवकूफ कहीं। थैंक यू राम जी गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच। इस बार भी आपने वो कारनामा कर दिखाया, शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं माता जी, ये तो हमारा फर्स्ट था। अच्छा मिस्टर हैरी इन लोगों से कुछ सीखो। हाँ हमसे कुछ सीखो।